दमन में आज सशक्त नारी समर्थ भारत का अक्स नजर आया। पोषण पखवाड़े में आज स्वास्थ्य सचिव SS यादव, उप कलेक्टर हरमिंदर सिंह, DMC CEO वैभव लिखारी, जिला पंचायत सदस्य तरुणा पटेल, मोनिका बारड ने पहुंच नारी हितों का बुलंद किया। एजुकेशन हॉल नानी दमन में हुए इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य सचिव ने महिलाओं एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्वस्थ एवं निरोगी जीवन में संतुलित भोजन पौष्टिक आहार के महत्व को समझाया। किशोरियों एवं युवतियों के पोषण में पौष्टिक आहार की उपयोगिता को रेखांकित किया। गर्भवती महिलाओं और कोख में पल रहे शिशु के पोषण के लिए उन्होंने माताओं को पौष्टिक आहार लेने पर जोर दिया और सरकार की ओर से सगर्भा महिलाओं को उपलब्ध करवाए जाने वाले पुष्टाहार के फायदे के बारे में बताया। उनका कहना था कि जच्चा बच्चा निरोग रहेंगे तो परिवार खुश रहेगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने दायित्व बोध कराते हुए कहा कि आप लोग ही घर घर पहुंचे हैं, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं हेल्थ स्कीमों के बारे में भी बताएं और जागरूकता फैलाइए। इसी क्रम में उन्होंने सगर्भा महिलाओं को सरकारी स्कीम के तहत मिलने वाले पुष्टाहार का प्रतीकात्मक वितरण किया। उप कलेक्टर, DMC CEO सहित महानुभावों ने भी अपने हाथों से लाभार्थी गर्भवती महिलाओं को पुष्टाहार किट प्रदान की। इस पुष्टाहार बॉक्स में गर्भवती महिलाओं के पोषण हेतु 7 किलो पौष्टिक खाद्यान्न व खाद्य वस्तुएं भी थी। साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों को उनके रोजमर्रा के कामकाज के दौरान उपयोगी सूचनाएं और आंकड़ों के दर्ज करने हेतु मोबाइल फोन भी दिया गया। स्वास्थ्य सचिव ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इस मोबाइल इंस्ट्रूमेंट के उपयोगी फंक्शन और इसके इस्तेमाल करने के बारे में भी समझाया। मालूम हो कि पोषण पखवाड़े के दौरान कल इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ऑन स्क्रीन प्रधानमंत्री से बात करने का मौका मिला था, जिसमें PM ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय में वृद्धि करने की बात कही थी। कार्यकर्ता और हमारे जो की पंचायत बहुत सारी बहने सारे बच्चों, ये प्रधानमंत्री जी का आह्वान था कि पोषण के खिलाफ एक जन आंदोलन पूरे देश में हो। जैसा कि आपको बताया इससे पहले प्रेजेंटेशन में कि कुपोषण बहुत बड़ी समस्या है, जिसको हम जानते नहीं है, मतलब रियलाइज नहीं करते हैं। जैसे बुखार हो जाता है, खांसी हो जाती है, तो तुरंत हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं या कोई देसी दवाई भी कई बार करते हैं, लेकिन कुपोषण भी एक भयंकर बीमारी की तरह ही है, लेकिन उसको हम रियलाइज नहीं करते, क्योंकि इमीडिएटली कुछ ऐसा नहीं होता है, ये दिखता नहीं कि डर हो रहा है या बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। इसीलिए और खासकर महिलाएं जो अपने बच्चों का और अपने पति का परिवार का ध्यान ज्यादा रखती हैं, खुद का ध्यान बहुत कम रखती हैं, इसलिए उनमें ज्यादा कुपोषण की समस्या है। हमारे देश में जो अनीमिया है, अनीमिया भी कुपोषण को ही दर्शाता है कि शरीर में खून की कमी है। अनीमिया करीब करीब 50% महिलाओं में है उत्तर प्रदेश में, और इसी तरह छोटे बच्चों में 5 साल तक के बच्चों में जो कुपोषण की समस्या है वो भी बहुत ज्यादा है। और उसे जैसे डॉक्टर ने बताया कि आपको रियलाइज नहीं होता, लेकिन अगर खून की कमी है तो बच्चे के दिमाग में कितना असर पड़ता है, जो बच्चा आपके घर में है बच्चे के डेवलपमेंट में कितना असर पड़ता है। तो इसलिए कुपोषण के खिलाफ ये पूरा एक युद्ध की शुरुआत पूरे देश में हुई है, और मुझे बहुत खुशी है कि दमन में भी हमारा डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से ये जानकारी हमारी महिलाओं को, माताओं बहनों को दे रहा है। तो बाकी सारी बातें आपको बता दी गई है, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सब बहनों को पहले भी और खासकर प्रेगनेंसी के टाइम और जब आप दूध पिलाते हैं बच्चे को, तो अपना बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि
आपके भी स्वास्थ्य की बात है और बच्चे का पूरा जिंदगी की बात है। अगर 9 महीने आपने ध्यान नहीं रखा या 9 महीने के बाद और बच्चा पैदा हो गया कि 6 महीने साल तक उसका ध्यान नहीं रखा तो बच्चे के विकास में बहुत फर्क पड़ता है, उसके मानसिक विकास में भी और उसका शारीरिक विकास में भी। इसलिए जब डेवलपमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट समय है, बच्चा आपके गर्भ में है या बच्चे को आप दूध पिला रही हैं, उस समय अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और ये राशन जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से स्वाभिमान स्कीम में आप लोगों के लिए शुरू किया गया है, ये बिल्कुल खाना है अच्छे से, ये जाके बच्चों को पति को ये खिला देना है। ये जो घर में आप खाते हैं उसके ऊपर से है, ये ऐसा नहीं कि जो घर में है वो घर का साइड में रख के इसी से काम चलाना है, ऐसे नहीं। जो आप रोजाना खाते हैं उसके ऊपर में इसको खाइए। और भी अच्छी अच्छी चीजें बताई गई, तो जब आप खाना बनाते हैं उस समय बहुत ध्यान रखना है कि प्रॉपर आपको उसमें प्रोटीन मिले, क्या क्या चीज में प्रोटीन होता है, क्या क्या चीज में आयरन होता है, कौन कौन से चीज में विटामिन होता है। तो जो आप डॉक्टर से बोलते हैं कि हाथ पैर दुख रहे हैं ताकत की गोली दे दो, तो ताकत की गोली कुछ नहीं होती है, जैसे डॉक्टर ने बताया ताकत की गोली अच्छा खाना है। ताकत की गोली हम खाने में जो प्रोटीन विटामिन एनर्जी लेते हैं वही ताकत की गोली है। तो हमारे आप जो सारी चीजें बताई गई है इनको और भी महिलाओं को बताना है। आंगनवाड़ी वर्कर तो हमारी बिल्कुल सुपरस्टार है, एक एक आंगनवाड़ी वर्कर इतनी सारी महिलाओं के बीच में जागृति पैदा कर सकती है। साथ साथ जो पहले आ जाई है वो भी अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, अपने कॉलोनी में दूसरी बहनों को जागरूक करें, ताकि ये लॉ से लॉ चल रही है तो ये जन आंदोलन तभी होगा जब हम सब एक दूसरे को इसके बारे में बताएंगे, प्रेरित करेंगे और वाकई में ये पूरा दमन स्वस्थ होगा जब हमारी बहनें हमारे बच्चे स्वस्थ होंगे। थैंक यू। मैं शरीन समोज बात कर रही हूँ, मैं मरवाड़ हॉस्पिटल के एरिया में रहती हूँ, मैं उधर की एक स्टाफ नर्स हूँ। मेरा अभी 8वां महीना चालू है, तो मुझे अभी जब से रजिस्ट्रेशन किया है तब से हर महीने में मुझे रेशन मेरे सरकार की तरफ से मिल जाता है मुझे, तो उसमें अभी टोटल 7 किलो का रेशन मिल जाता है। उसमें चावल मिलते हैं, गेहूँ मिलते हैं, ऐसे जो भी पौष्टिक आहार चाहिए अपने माँ के लिए और बच्चे के लिए, तो बच्चे का ग्रोथ के लिए सब बहुत अच्छा रहता है। तो उसमें क्या है, अभी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी पुअर लोग हैं उनको भी ये बहुत मेहनती है और बहुत अच्छा है, उनके लिए लाभ बहुत अच्छा दे रहा है अभी सरकार जो है। और अभी का जो नया स्कीम के हिसाब से जो भी रेशन जो भी अपने को गवर्नमेंट से मिलता है वो बहुत अच्छे है दोनों माँ और बच्चे के लिए, तो उन लोग को जो भी मिलता है वो अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए अपने गवर्नमेंट के तौर से। मेरे हिसाब से तो ये स्कीम बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे लोकल एरियाज़ है जहाँ पे स्टाफ नर्सेस जाके देखते हैं कि कितने लोग हैं जिसके पास पैसा नहीं है ये सब चीज़ें खरीदने के लिए, तो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है जो गवर्नमेंट सरकार जो दे रहा है वो खाने के लिए वगैरह सब। आपने अपनी टीबी की दवाई तो ली ना? ले लिया मैंने। एक मिनट में। क्या हुआ? ठीक। बेटा तूने अपनी जांच करवाई? हाँ माँ, टीबी निकली लेकिन डॉट्स का इलाज शुरू कर दिया है। जिंदगी के हर कदम पे आप डबल सावधानी लेते हैं तो टीबी के इलाज में भी ऐसा जरूर कीजिए। टीबी संक्रमित मरीजों को अपनी एचआईवी की जांच जरूर करवानी चाहिए ताकि आपके टीबी के इलाज में कोई रुकावट ना आए। दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली के कोई भी विद्या शाखा में 12वीं पास छात्रों के लिए आया है
सुनहरा अवसर। शुरू हो रहे हैं पैरामेडिकल कोर्सेज, ईसीजी टेक्नीशियन, एमआरआई टेक्नीशियन, मेडिकल लैब टेक्नीशियन जैसी 24 विद्या शाखाओं में हो रहे हैं सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा कोर्सेज। आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए लॉगिन करें www.vbch.dnh.nic.in या टोल फ्री नंबर 104 का संपर्क करें। याद रहे, एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तालीम श्री विनोबा भावे सिविल हॉस्पिटल जैसी अत्याधुनिक हॉस्पिटल में करवाई जाएगी। आइए अपना सुनहरा भविष्य सुनिश्चित करें एक पैरामेडिक बनके। जनहित में जारी करता निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, दमन दीव, दादरा नगर हवेली। संघ प्रदेश दमन एवं दीव प्रशासन स्वास्थ्य विभाग दमन द्वारा लोगों से अनुरोध है कि मलेरिया रोधी कार्यक्रम के दौरान मलेरिया से बचने के उपायों का पालन कर स्वास्थ्य विभाग को सहयोग करें। अपने आसपास के परिसर को स्वच्छ रखें। छोटे छोटे गड्ढे, बिना उपयोग के बर्तन जैसे ड्रम, डिब्बे, नारियल, टायर, गमला आदि में बरसात का पानी भरने ना दें। मच्छरदानी में ही सोए। घर में दवा का छिड़काव करवाए। बुखार आने पर खून की जांच कराए और स्वास्थ्य कर्मचारियों को पूर्ण सहयोग दे, जिससे मलेरिया जैसी बीमारियों से निजात पा सके। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम दमन एवं दीव द्वारा जनहित में जारी। होटल रिवांटा, होटलों की दुनिया में एक अनोखा नाम, एन आइडियल डेस्टिनेशन फॉर ऑल योर कॉर्पोरेट एंड फैमिली स्टेज। वी हैव एस्थेटिकली डिजाइन कंफर्टेबल एंड यूनिक इंटीरियर इन आवर रूम्स। रेस्टोरेंट एंड पार्टी हॉल। लजीज व्यंजनों के शौकीनों के लिए हमारे पास है मल्टीपल कुजीन शेफ्स। आपको फैमिली फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना हो
बर्थडे मीटिंग्स या और कोई प्रोग्राम्स अरेंज करने हो या कंफर्टेबल स्टे करना हो तो बेस्ट ऑप्शन इज होटल रिवांटा। एक्सपीरियंस द न्यू लक्जरी विद कंफर्ट एंड क्वालिटी। होटल रिवांटा, 3 बत्ती देवका रोड, नानी दमन।